भारत के मूल निवासी को संघर्ष का जज्बा सिखा दिया। मजलूम गुलामों के सिर में सिख कार का ताज सजा दिया। शूतर से खाद साब ला दिया, शूतर से खाद साब ला दिया, शूतरी से खाद सा यह धर्म तुम्हारा है, अनपढ़ रह के दास बनो। गुरुओं ने बनाया सिख हमको, गुरुओं ने बनाया सिख हमको, और धर्म सीखना बना दिया। शूतर से खाद सा बना दिया, शूतर से खाद सा बना दिया, शूतरी से खाद सा मैं अकाल का पुत्र काल हूँ और मुझे समय भी कहते हैं। जब ये सूर्य, पृथ्वी, चांद, सितारे वो ग्रह नहीं थे, मैं और मेरे पिता तब भी मौजूद थे। अरबों खरबों साल पहले ब्रह्मांड में गैसों के आपसी टकराव से विस्फोट हुए, जिससे छोटे बड़े आग के गोले पैदा हुए। सूर्य भी वैसा ही गर्म गैस का गोला है। यही गोले ग्रह, उपग्रह, चांद व सितारे बने। धीरे धीरे पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर जीवाणु उत्पन्न हुए। जीवाणुओं के आपसी अवरोधन से वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा वन मानुष पैदा हुए, जिनसे सभ्य मानव का विकास हुआ। ये लोग गर्म सर्द मौसम से बचाव की खातिर अपना तन ढकने के लिए पत्तों की पोशाक और सिर पर घास फूस की पगड़ी पहनने लगे। भूख मिटाने के लिए शिकार करने व आत्मरक्षा की खातिर पत्थर से तलवार जैसे हथियार बनाए गए। देखते ही देखते पत्तों की पोशाक कपड़ों में तब्दील हो गई। सिर पर घास फूस की जगह हीरे जवाहरात छम है बहते कुदरत की इस कायनात।
सिंधु घाटी की खुशहाली की महक दूर दूर तक फैल गई थी। यहां की धन संपत्ति व संसाधनों को लूटने के इरादे से लगभग 4000 वर्ष पूर्व घुमंतु लुटेरे घुड़सवार कबीले सिंधु घाटी की तरफ आए। उनका मूल निवास मध्य एशिया था, जिसे काकेशिया यूरेशिया भी कहा जाता था। ये लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, दर्रा खैबर के रास्ते होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे। अरे कुमार इंद्र, हम कहां आ गए? गुरुदेव, ये सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी? हाँ, सिंधु घाटी। अरे वाह, ये घाटी तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। अरे क्या सुंदरता है गुरुजी, चलो इसे लूटते हैं। चलो आओ। बहादुर मूल निवासी योद्धाओं ने डट के मुकाबला किया, लेकिन शातिर आर्यों ने छल कपट व धोखेबाजी से मूल निवासियों को हराकर धीरे धीरे पूरी सिंधु घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया और मूल निवासी अपनी ही धरती पर गुलाम हो गए। जो मूल निवासी बागी होकर इन जंगलों में छुपे हैं, उन्हें भी हम अपना गुलाम बनाकर ही छोड़ेंगे। उन्हें शूद्र, अछूत, पिशाच, असुर और दानव जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाने लगा। क्या तुम्हें हमारी गुलामी मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। तो फिर देख क्या रहे हो, तुम अपनी पगड़ियां उतार कर यहां फेंक दो। नहीं नहीं, हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये हमारी इज्जत और शान है। मूर्ख, गुलाम की शान सर पे पगड़ी रखने से नहीं, मालिक के जूते चाटने से होती है। देख क्या रहे हो, छीन लो उनकी पगड़ियां। अब इनके हथियार भी छीन लो। आज के बाद तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, आर्यन पुत्र। सुंदरी? चलो। इसे तो छोड़ दो। सिंधु घाटी की मृत्यु।
अकेली लाश नहीं, ये अकेली लाश नहीं, आज से हम सभी लाशें हैं, सभी लाशें हैं। आज बर्बाद ये नदिया और ये झरने सब गुलाम हो गए, हम सब गुलाम हो गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा अनुसार उन सबकी पगड़ियां व तलवार छीन ली है। शाबाश, अब उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भी छीन लाओ, अपने अधिकार में रखो, और उनसे जो संतान पैदा होगी उन्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा मूल निवासी अर्थात शुद्र ही शुद्र से युद्ध करेगा युद्ध, और हम राज करेंगे राज। यह वर्ण व्यवस्था का जो कानून इन आर्यन ने लागू किया है हमारा शोषण करने का षड्यंत्र है। ये सत्य है। हम जब तक अपने लोगों को इन आर्यों से आजाद नहीं करवा लेते हमारी जंग इन दुष्टों के खिलाफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा इसमें वही लिखा है। जी महाराज। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीच है ये मूल निवासी शूद्र। ऐसा ही होगा गुरुजी। एक और नियम, चौथे शूद्र वर्ण का धर्म है अनपढ़ रहकर अपनों से ऊंचे वर्णों की सेवा करना अपना धर्म समझे। समझे? समझ गया गुरुजी। वाह, इस तरकीब से तो उनकी आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम बनकर रहेंगी। कुछ स्वाभिमानी मूल निवासी जंगलों में छुप गए और लगातार आर्य ब्राह्मणों से संघर्ष करते रहे। उन्हें आदिवासी, जंगली आदि नाम दे दिए गए। इन योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध से हमलावरों के नाक में दम करके रखा। लंबे संघर्ष के चलते दयनीय हालात व भुखमरी से बचाव की खातिर आदिवासियों में से बहुत से लोग गांवों की तरफ आने लगे। उनको गांवों में घुसने से रोक दिया गया तथा उन पर जुल्मो सितम का कहर बरसाया गया। वो लोग गांव के दक्षिण की ओर गंदे पानी के तालाब के किनारे बुरे हाल में जीवन बसर करने लगे। इन कुआरे ब्राह्मण ने अछूत, अति शूद्र का नाम दिया। जिन मूल निवासियों ने अपने भाइयों से कतारी करके बिना संघर्ष किए आर्य ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार कर ली उन्हें ब्राह्मण ने गांवों में ही रहने दिया। उन्हें दास बनाकर अपने रोजाना के कार्य करवाने लगे। ये मूल निवासी जिनको ब्राह्मण छू सकता था
उन्हें छूत शूद्र कहा गया। ये लोग ब्राह्मणों से मिलकर अपने ही भाइयों पर अत्याचार करने लगे। महाराज, कुछ शूद्र अपनी इच्छा से हमारे दास बनना चाहते हैं। उनका क्या करें गुरुजी? उन्हें अपने घरों में प्रवेश होने दो, वो घर का काम करेंगे। उन्हें अपने बराबर मत बैठने देना और अपना बचा हुआ भोजन ही खाने देना, और उनके कानों में गुलामी की कुंडले डाल दो ताकि हमें पहचान रहे वो हमारे दास है। दास अपनी सफाई से बचा हुआ पानी ही पीने देना। जो हमारी गुलामी स्वीकार ना करे महाराज। जो शूद्र बगावत करते हैं उन्हें भयानक से भयानक दंड देंगे। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, एक दिन वो भी हमारे दास बन जाएंगे। दास। कुछ गुलाम शूद्र महाराज की सेवा में भी भेज देना। जी ब्राह्मण देवता। हरिया, ये लो मुद्रा, और मालिक ने बोला है इसी में दो और बनाकर लाना। जी मालिक। अरे आज कुत्ते नजर नहीं आ रहे मालिक, ये लोग भगा देते हैं ताजो खाना खुद ले जा सके। सही कहा है किसी ने, कुत्ते का कुत्ता बैरी। ए अति शूद्र, ये जूठन बची है, ले जाओ। आज की शाम ये रंगीन करेगी मेरी। जाने दो मुझे।
सुंदर औरतों को उठा कर ले जाते हैं। ये स्थिति कब सुधरेगी? जब हम सच्चे मन से अपने अधिकारों के लिए संकल्प करेंगे, अपने पुरुषार्थ व संघर्षशीलता पर पूर्ण भरोसा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान देने को तैयार रहेंगे, तब मिलेगी इन दुष्टों से आजादी। आथू! सभी मूल निवासियों को इकट्ठे होकर एक दिन इस जंगे आजादी में कूदना होगा, नहीं तो ये आर्य इसी तरह हमारा शोषण करते रहेंगे। चिंता मत करो, आज रात ही हम तुम्हारी औरत को आजाद करा कर रहेंगे। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ूंगा तो तुम्हें नहीं, नहीं। ये तो पक्का है। अपनी मर्जी से मेरे साथ रहोगी तो आजाद कर दूंगा, अगर ना मानी तो यूं ही गुलाम बना के रखूंगा। छोड़ दो मुझे, रहना तो तुम्हें यही है। छोड़ दो मुझे। लेकिन तुम नहीं रहोगे इस धरती पर। प्रणाम गुरुजी। इन जंगलों में छुपे शूद्रों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। जंगलों में जाकर ढूंढते हैं तो मिलते नहीं। उनका एक ही हल है कुमार इंद्र, गुलाम शूद्र उनका साथ ना दे। इनके लिए अब मैंने कुछ ऐसे विधि विधान की खोज की है जिससे इनका जीवन और भी दरिद्र हो जाएगा। इन सभी लोगों को मंदबुद्धि बनाना है, मंदबुद्धि। कुछ समझा नहीं गुरुजी। ध्यान से सुनो, इनकी बुद्धि में हमें भगवान, डर, पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, नरक, स्वर्ग, पुरखों के पाप, योनि का चक्र, भाग्य, शुभ अशुभ, बुरी नजर, कुंडलिनी जागरण, तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष फल, झाड़ फूक, जादू टोना टोटका, ग्रह नक्षत्रों के चक्रों में ऐसा उलझाएंगे, ये सदा के लिए हमारे गुलाम तो होंगे ही, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधविश्वास में उलझी रहेंगी। वाह वाह गुरुजी वाह, आपकी महान बुद्धि को कुमार इंद्र का शत शत प्रणाम। लेकिन कुमार इंद्र, एक बात का ध्यान रहे, अगर हमें इनका शोषण और इन पे शासन करना है तो इनकी बुद्धि, शिक्षा, धन और संपत्ति के अधिकार से दूर रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, ऐसा ही होगा। और इन्हें उलझा कर रखना है धर्म कर्म कांड और अंधविश्वास में। जी गुरुजी। फिर देखना तुम, ये लोग गोबर, पत्थर, धन, अग्नि, सूरज, चांद, तारे, सांप को भगवान मान के कैसे पूजा में उलझते हैं। धन्य गुरुजी आप, धन्य हैं।
इनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए सभी तरीके अपनाओ। साम दाम दंड भेद। साम यानी समझा बुझा कर, दाम यानी के धन देकर, दंड कोई भी कठोर से कठोर दंड देकर, भेद यानी कि इनको कभी भी इकट्ठे मत होने देना, और इनकी शक्ति को कमजोर करना है, और इनसे घृणा करो, घृणा। ऐसा ही होगा। प्रकृति ने मनुष्य को सभी जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाया, लेकिन धरती के इस खंड में ब्राह्मणों ने घोर कपट व स्वार्थ से मानव को ही निम्न घोषित करके गुलाम बना लिया। भ्रम व भय का ऐसा जाल बुना कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, मल मूत्र, पर्वत, सूर्य चांद, सितारे आदि को भी दैवीय बताकर इनकी पूजा शुरू करवा दी। भारतीय मूल निवासियों की हालत बद से बदतर होती चली गई। शांत, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने हमारे महामंत्र सुनने की गुस्ताखी की। डाल दो इनके कानों में सिक्का। ब्राह्मणवाद द्वारा फैलाई हिंसा, दुष्कर्म, अनैतिकता से ग्रस्त भारत में मानवता व नैतिकता का संदेश देने एवं मूल निवासियों को उनके छीने गए हक वापस दिलाने के लिए महामानव गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने बड़ी संख्या में अपने भिक्षु मूल निवासियों की बस्तियों में भेजे। बौद्ध भिक्षुओं का मकसद भिक्षा मांगना नहीं था। ये लोग तो महामानव गौतम बुद्ध का मानवीय संदेश लेकर मूल निवासियों के जीवन में जागृति लाने के लिए आए थे। शाम देही, हमें भोजन चाहिए। वही ये शूद्रों की बस्ती है, हमारे हाथों से तो कोई पानी तक नहीं पीता, और आप भोजन मांग रहे हैं। जाइए जाइए आप जहां से, हमें भगवान ने अति शूद्र बनाया है। आप जाइए जहां से, जाइए जाइए, आप अपवित्र हो जाएंगे।
जाइए जाइए। मेरे भाई, तुम्हें छूने से मुझे कुछ नहीं हुआ। हम सब इंसान हैं। मेरे भाई, वो कैसा भगवान है जो एक इंसान को अछूत बना दे। आप महान हैं। आप भी मेरी तरह महान बन सकते हो। वो कैसे? पहले तो अपने मन से हीन भावनाओं को दूर करो। अपने आप को अछूत मानना छोड़ दो। फिर अंधविश्वास को छोड़ दो। अरे मेरे भाई, एक दूसरे के दुख और सुख में पूरा साथ दो मेरे भाई। लेकिन हमें तो भगवान ने हमारे से ऊंचे वर्ण लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। अरे भाई, कुदरत ने कोई वर्ण नहीं बनाया। कुदरत कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाती। सूरज सभी को एक जैसी रोशनी देता है। ये हवा किसी से भेदभाव करती है क्या? सभी इंसान एक जैसे। जो बुरा काम करता है वो बुरा इंसान है, जो अच्छे काम करता है वो अच्छा इंसान है। भगवान क्या होता है? अपने चित्त को निर्मल करो, दया करो, आप खुद भगवान बन जाओगे। आपकी बातें सुनकर मेरे मन में जीने की इच्छा जाग गई। इतना आनंदित मैं पहले कभी नहीं हुआ। कौन हो सकते हैं जो शूद्रों की बस्ती में भिक्षा मांग रहे हैं? पंडित जी को जाके बताता हूं। मेरे भाई, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। कुछ खाने को दो मेरे भाई। लीजिए महाराज, मैं अभी लाता हूं। पंडित जी, पंडित जी, घोर पाप, घोर पाप। अरे क्या हुआ? रोहित जी, वहां अति शूद्रों की बस्ती में कोई सन्यासी भिक्षा मांग रहे थे और उन्हें छू भी रहे थे। सन्यासी अति शूद्रों की बस्ती में? जी। अरे नहीं नहीं, वो भी शूद्र ही होंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, भूखा भूखे से भिक्षा मांग रहा है भिक्षा। दोनों ही भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे दोनों ही। लीजिए महाराज। अरे हम शूद्र नहीं रहे। मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध हो गए। सम्राट अशोक महान के समय बौद्ध राज्य का परचम 50 लाख वर्ग किलोमीटर पर लहरा गया। अब इन चोटियों की कुर्बानी देनी होगी। किस लिए महाराज? षड्यंत्र रचने के लिए। षड्यंत्र? तो तुम लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना होगा, ताकि इन बौद्धों में घुसकर इनकी शक्ति को कमजोर किया जाए। जी महाराज। हे
अब तुम्हारा चेहरा होगा बुद्धों का और दिल होगा आर्यन, समझे? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद आर्य ब्राह्मणों की घटिया साजिशें सफल हुई। महामंत्री जी महाराज, हमारे राज्य में वर्ण जाति का भेदभाव, छुआछूत, बेईमानी, चोरी, ठगी, मदिरा सेवन, जबर जिनाह जैसी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई कसर बाकी है, इनको सख्ती से खत्म किया जाए। जी महाराज, आपके राज्य में महाराज महामानव गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सारी प्रजा खुशहाल है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक समान है, सब प्रेम से रहते हैं, सभी खुश रहते हैं महाराज। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शुंग, ये तुम क्या कर रहे हो? बोधराज का और तुम्हारा अंत। पकड़ लो इस गद्दार को। ले आओ महाराज को नीचे। हमारे पुरखों ने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। हमारी आने वाली नस्लें गिन गिन के तुम्हारे पापों का हिसाब लेंगी। चुप! बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या हिसाब लेगी हमसे? वो तो अब हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह गई हैं। गुलाम! देश का राजा मैं हूं, शुंग महाराज शुंग। हैं गुरुजी? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है गुरुजी। मैंने आपकी आज्ञा से बोध राजा भैद्रथ की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया है। बोधराज का अंत हो चुका है और अब सत्ता आर्यन की है। शाबाश शुंग। अब आगे क्या आदेश है गुरुजी? गहन चिंतन से हमें मालूम हुआ है कि हमारे हाथ से इन बोधों ने सत्ता कैसे छीनी। कैसे गुरुजी? शूद्रों की बुद्धि को जगाकर, इनकी एकता से हम पर राज किया इन्होंने। तो आगे क्या सोचा है महाराज? शुंग, ये मनु महाराज द्वारा लिखी मनुस्मृति है, तुम्हें अपने राज्य में इसके नियमों को लागू करना है। जी गुरुजी। मनुस्मृति में इन शूद्रों को हजारों जातियों में बांट दिया गया है। अब ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कौन किस जाति का है ये कैसे लागू करेंगे? जो जंगलों में भागे हैं वो हमारे ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उन आदिवासी जंगलियों का नामो निशान मिटा दो। वो कहीं भी नजर आए उन्हें मार डालो।
वाह गुरुजी, वाह। जो अब भी हमारे खिलाफ संघर्ष करने की सोचते हैं, उन्हें मृत पशु और गंदगी उठाने जैसे नीच अपमान वाहिनता से जुड़े कार्य दो, इन्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये अब अशुद्ध कहलाएंगे। बांध दो इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनका थूक भी आर्यन की इस धरती को गंदा ना कर सके। जी गुरुजी। जो हमारी शरण में आ चुके हैं, उन्हें खेती पशुपालन कारीगरी व शिल्प का कार्य दो, वो महामूर्ख आज के बाद ऊंची जाति के शूद्र कहलाएंगे, वो अपने ही आदिवासी जंगली और अति शूद्र अशूत भाइयों से घृणा करेंगे। जी गुरुजी, अति उत्तम अति उत्तम। जातिवाद का ऐसा भ्रम जाल फैलाओ कि ये शूद्र कभी आपस में इकट्ठे ना हो पाए और ना ही हमारे खिलाफ विद्रोह करने की सोचें। अगर कोई एक जाति हमारे खिलाफ संघर्ष करेगी तो दूसरी कोई जाति उसका साथ नहीं देगी। और एक जाति के संघर्ष को हमें एक चुटकी में खत्म कर देंगे। यही हमारी जीत होगी, संघ हमारी जीत। इंद्र, बोधों का क्या करना है गुरुजी? आज के बाद बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई भी बौद्ध जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, मैं घोषणा करता हूं, जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर मेरे पास लाएगा, उसे 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। यहाँ बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया, बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। सर भिक्षुओं के काट के ग्रंथों को भी हे भगवान, ये कैसा घोर पाप हो रहा है तेरी इस धरती पर, ना सांस ले सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं और ना ही तेरी इस धरती पर थूक सकते हैं। थूकने के लिए ये गले में हांडी डाल दी और तेरी इस धरती पर अपने पांव के निशान मिटाने के लिए ये पीछे झाड़ू बांध दिया। ये कैसा इंसाफ है तेरा, तूने कैसा इंसान बनाया था और इन आर्यन ने कैसा बना दिया, ये कैसा इंसाफ है तेरा, ये कैसा इंसाफ है तेरा, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मालिक, आप तो कभी कभार एक कबीले का दौरा करते हो, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। बेटी बैजी मेरा इलाज करेंगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं करेंगे। अति सुंदर अति सुंदर।
इन शूद्रों में कैसे जन्म ले सकती है? हजूर, आप जैसे किसी ठाकुर की मेहरबानी है। जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जी हजूर। ए लड़की चल, तुझे ठाकुर साहब बुला रहे हैं। ये मेरी बेटी है हजूर। क्या हुआ, इससे कोई गलती हो गई तो इसे माफ कर दीजिएगा हजूर। ये अभी बच्ची है, मासूम है। कैसे बाप हो, लड़की जवान हो गई और तुझे पता भी नहीं चला। ए छोकरी चल, इतनी सुंदर, वाह, ऐसी तो कोई ठकुरैन भी नहीं। चल छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तू ठाकुर का छुए, मारा इसे। छोड़ दो मेरे बाबा को, हमें जाने दो। छोड़ दो ठाकुर जी, मेरे बाबा को छोड़ दो, छोड़ दीजिए मेरे बाबा को, छोड़ दीजिए। देख, अगर अपने बाबा की जिंदगी चाहती है तो इकरार कर दे, अगर नहीं चाहती तो इनकार कर दे। बता। अति सुंदर, आज तो तुझे मैं चंदन से नहलाऊंगा और अपनी रानी बनाऊंगा। रानी, अब ये तेरे गले में शोभा नहीं देता, उतार इसका झाड़ू, अब ये ठकुराइन है। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे आर्यन, काम तो तुम्हारे इतनी राक्षस पिशाच कहने वालों, काम तो तुम्हारे पिशाच जैसे है। पिशाच बनकर तुम हमारा खून चूसते हो, खून चूसते हो। अरे पापियों, जिस शूद्र की परछाई पड़ने पर तुम भ्रष्ट हो जाते हो, उनकी बहु बेटियों को छूने पर तुम ब्रश नहीं होते। तू आसमान, तुम इन पर गिर क्यों नहीं जाते? धरती तुम फट क्यों नहीं जाती। ये कैसी जिंदगी दी है हमें, क्यों हमें इतना नीच बनाया, क्यों बनाया हमें अछूत? कोई हमारा इलाज भी नहीं करता। हमें छूने से डरते हैं,
अब और जीने का दिल नहीं करता भगवान। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। क्या हुआ माई? मेरे बाल! किसने की इतनी जुर्रत? मेरी माई के बाल काटने वालों का मैं हाथ काट दूंगा। मत बोलना बेटा, उन पर मेरी परछाई पड़ गई थी, उन्होंने मेरे बाल काट दिए। गाली देने वाले की वो जुबान काट देते हैं। इसे कैसे वो जुबान काट देंगे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरी माई की ऐसी हालत की है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किस पापी ने काटे मेरे माई के बाल? तुम्हारी इतनी जुर्रत के ब्राह्मण देवता को पापी बोलता है? इसका दंड मालूम है तुझे? और जिसने मेरे माई के बाल काटे उसका क्या दंड है? उसके तो बाल काट कर छोड़ दिया, लगता है तेरा तो गला काटना पड़ेगा। कौन है, कौन है वो सामने आए? लगता है वो दम का प्रभाव दंड दिए बिना नष्ट नहीं होगा। तुम्हें मनुस्मृति द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत दंड दिया जाएगा। दंड? पकड़ लो इस नीच को। अगर हिम्मत है तो तुम लौट सामने आओ, ये तो मेरे भाई हैं। चल हट, हम नहीं हैं तुम्हारे भाई। अरे अरे, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से इनकी गुलामी कबूल कर ली। अरे एक दिन तुम गद्दार कहलाओगे, गद्दार। अरे तुम अति शूद्र हो, हम तुमसे ऊंची जाति के शूद्र हैं। ऊंची जाति के शूद्र? अरे हो तो शूद्र ही ना। बहुत जुबान चलती है इसकी। अरे महाराज, इसने तो झाड़ू भी नहीं बांधा और ना ही गले में हांडी डाली है महाराज। मनुस्मृति के मुताबिक जो शूद्र ब्राह्मण का अपमान करता है उसकी जीभ काट दी जाए, और जो शास्त्रों के वचन सुन लेता है उसके कानों में खौलता हुआ तेल या सिक्का डाल दिया जाए। और इसने तो दोनों अपराध किए हैं महाराज। तो काट दो इसकी जीभ और डाल दो खौलता हुआ तेल इसके मुंह में। काट दो वो जुबान जो जुल्म के विरुद्ध बोलती है। बंद कर दो वो कान जो तुम्हारा कहा सुनने से मना करते हैं। अरे कस के पकड़ो। Ha 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 ha
ले जाओ इसे घसीट कर और फेंक दो कहीं दूर। पंडित जी, अब इस यज्ञ को पवित्र करने के लिए हमें ब्रह्म सरोवर से जल लाना होगा। चलिए पंडित जी। मई बो रहा दासू। दासू क्या हुआ? भगवान, मैंने तुझे बहुत रोका था पर तुमने मेरी एक न मानी। हे भगवान, मेरे लाल क्या हुआ? क्या हुआ मेरे लाल दासू? दासू को बैंक के पास ले चलते हैं। जल्दी ले चलो, जल्दी इसके गले में हांडी डालो और कमर में झाड़ू बांधो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओए, दूर रह दूर। अरे वैद्य जी, जुबान काट दी इसकी। ज्यादा चलती होगी, कुछ नहीं होता इसे। दया करो वैद्य जी, दया करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे जुबान ही काटती है, गला तो नहीं काटता। भाग जाओ। आप ही हमारे भगवान है। दवा दे दो वैद्य जी, मेरे बच्चे को बचा लो। देता हूँ देता हूँ, चुप कर। लो ले लो, पकड़ लो पकड़ लो, पानी के साथ खा लेना। कहां से आ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं ऐसे ही। जुबान काट, कम चलाया करो जुबान। बचपन में भी ऐसे ही पानी मांगता था। मेरे जिगर के टुकड़े ने पानी मांगा है, मैं लाती हूँ पानी। इस कुएं से हम पानी नहीं ले सकते, वो हमें मार देंगे। मैं मत जा। मई, इस कुएं से हम पानी नहीं पी सकते, रहने दो मई। मई रहने दे, मई रहने दे। जे देवताओं का कुआं है वो हमें मार देंगे। मई मई, जे देवताओं का कुआं है वो हमें मार देंगे। वो देखो अतिशूद्र, पिशाचनी, जायंट, राक्षसनी, तुमने हमारे देवताओं के कुएं को भ्रष्ट कर दिया। बताता हूँ तेरे को। मारो, मारो बकर, मारो। भाइयों, अब इस कुएं को पवित्र करने के लिए नर बलि देनी पड़ेगी। चलो। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया तो मनुवादी आर्य ब्राह्मणों का मनोबल गिरने लगा
मुस्लिम हमलावरों की जीत का एक कारण ये था कि देश की जनसंख्या के 85% भारतीय मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में डालकर हथियार उठाने के हक से दूर कर दिया गया था। सोचिए, जिस देश में केवल 5% क्षत्रियों को युद्ध करने का काम दिया गया हो, उस देश को जीतना बेहद आसान था। लगातार मुस्लिम हमलों में जान माल व धन संपत्ति लुट जाने से मनुवादी सत्ता की कमर टूट गई। कष्ट देने वाले कष्ट पाने लगे। जब सुखद हालात की उम्मीदें पैदा हो रही थी, तो उसी समय आर्य ब्राह्मणों ने कूटनीति के तहत मुस्लिम हमलावरों को झांसे में ले लिया और कहा कि हम भी एक दिन हमलावर बनकर इस देश में घुसे थे। उन्होंने मुस्लिमों को अपनी बहन बेटियां देकर रिश्ते कायम कर लिए व सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कायम रखी। मूल निवासियों की आजादी की उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन मुस्लिम हमलावरों के साथ आए सूफी संतों ने उनकी दयनीय स्थिति को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए और उन्हें कुदरती मानवीय अधिकारों के प्रति शिक्षित करने लगे। दलदल में फंसे मूल निवासियों में भी सम्मान भरा जीवन जीने की तमन्ना जाग उठी। एक नई क्रांति की सृजना होने लगी। इसी क्रांति ने आगे चलकर सिख धर्म का रूप धारण किया। अरे भाई, थोड़ा जल मिलेगा? आप कौन हो भाई और कहां से आए हो? मैं बाबा नानक का सेवक हूं और उन्हीं का संदेश लेके आपके पास आया हूं। जी, उनकी वाणी सुनकर मन शांत होगा। अपने बच्चों को धर्मशाला में भेजा करो ताकि वो भाई जी से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। आप सभी लोग बौली में जाके स्नान किया करो, सत्संग सुना करो। और हाँ, वहां पर वैद्य भी है। कोई भी किसी भी जाति वर्ण का जरूरतमंद मरीज इलाज के लिए उनसे दवा ले सकता है। धर्मशाला में जाके आपको मन की शांति व तन की तंदुरुस्ती दोनों प्राप्त होंगी। वहां हमें अंदर जाने दिया जाएगा? वहां कोई भेदभाव तो नहीं होगा? एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। उस एक ही नूर से सब कुछ उपजा है। सभी एक समान है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जे वर्ण जाति तो हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। वेद की पुत्री सिमरती भाई, संकल जेवरी लय है आई। जह सिमरती जो वेदों के आधार पर बनी है, सभी कर्म कांड के संगल है। संसार को ठग लिया है इसने। जे सांपों की पूजा, दरख्तों की पूजा, पत्थरों की पूजा, तंत्र जंतर मंत्र, ये सभी इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं। इन सब पखंडों से अपने आप को मुक्त करो। जारों वर्ष नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब दुख की बदली जाएगी, खुशियों की बहार आएगी। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, नीच कहा, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, और शूद्र बनाया। गुरु
अरे शूद्रो पीछे पीछे, अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अच्छ, अरे रुक रुको, छींक दिया। जहाँ ठीक वहाँ ठीक, ये वहम तो इनके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं है। चलो चलिए परदेसी चलिए। संतों गुरुओं ने भारत के मूल निवासियों को जीने का मकसद समझाकर गुलामों से इंसान बनने की चाहत पैदा कर दी। मनुवादियों को ये बात कतई बर्दाश्त ना हुई। वो लोग मुगल शासकों को भड़काकर मनुवाद पर गहरी चोट करने वाली गुरुवाणी व सिख गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। प्रणाम महाराज। आओ दीवान चंदू चा, सब कुशल मंगल है? बहुत बुरा समा आ रहा है। क्या अनाप शराब बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीवान जी। जिन्हें हमने शूद्र अतिशूद्र गुलाम बनाया, अब मुक्तिदाता बनेंगे और राज उनका होगा। उनका राज होगा? अब तो अनर्थ हो के ही रहेगा। अपनी बकवास बंद करो और सही सही बोलो क्या हुआ। हमारे बुजुर्गों ने जिन मूल निवासियों को नीच शूद्र कहकर अपना दास बनाया था, उन्हें शिक्षा, ज्ञान, मान सम्मान, राजसत्ता, ताकत व अच्छा जीवन जीने के अधिकारों से दूर रखा था। पूरे भारतवर्ष में उसी शूद्र वर्ण में जन्मे रैदास चमार, कबीर जुलाहा, नामदेव शिम्पा, धन्ना जाट, सूफी संत फरीद, सदना कसाई, सैन नाई, नानक, अंगद, अमरदास आदि सिख संतों गुरुओं की शिक्षाओं से अर्जुन देव एक महाग्रंथ तैयार कर रहा है। महाराज, इस ग्रंथ में हमारे सारे झूठ व पखंड का पर्दा फाश किया जाएगा। यह ग्रंथ उन भारतीय मूल निवासियों के पास पहुंच गया तो महाराज फिर सभी सिख बन जाएंगे और इस ग्रंथ से ज्ञान लेकर वो मूल निवासी सिख पूरे भारतवर्ष पर राज करेंगे और हम बन के रह जाएंगे उनके गुलाम। और महाराज वो भी हमेशा के लिए। महाराज हमारे लिए तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, प्रलय, और इस प्रलय में हम सब खत्म हो जाएंगे। प्रलय, प्रलय, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए आर्य पुत्रों, चिंता छोड़ो और अपने पुरखों के इतिहास से प्रेरणा लो। कृपया साफ साफ कहें महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बांटो और राज करो। यही था हमारे पुरखों का ब्रह्मास्त्र, जिसका मुकाबला ना तो कभी शूद्र कर पाए थे और ना ही आने वाले समय में कर पाएंगे। मनु महाराज के सपूतों, बौद्ध धर्म जैसे कई धर्मों के अंदर घुसकर हमने उसे नष्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं घुस जाओ सिख धर्म के अंदर और उसके गुणों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दो। वेश धारण कर लो सिखों का, वेश धारण कर लो, उन लोगों को आपस में इतना भड़काओ, आपस में लड़ मरे और धीरे धीरे लड़ते लड़ते वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रही बात उन मूल निवासी शूद्रों की, वो फिर से हमारे ही दास बन जाएंगे। दास यानी गुलाम। गुलाम। लेकिन महाराज बौद्ध धाम के समय तो सत्ता हमारे हाथ में थी और अब राज मुगलों का है। बांटो और राज करो बहुत कारगर हथियार हैं, जिससे हमने मूल निवासी शूद्र समाज को ऊंची नीची हजारों जातियों के
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक होने के बारे में ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। अब हमें कोई ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिससे इन सिक्कों को जल्दी रोका जाए। मुट्ठी भर आर्य, चलाकी, मक्कारी, वकूट नीति के द्वारा हजारों सालों से लागू की हुई वर्ण व जाति व्यवस्था के जरिए इन विशाल संख्या वाले मूल निवासी शूद्रों पर राज करते आ रहे हैं। इस सिख धर्म को ये व्यवस्था खत्म करने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। और महाराज, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अर्जुन देव को तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, इसको सबक जल्दी सिखाना पड़ेगा। दीवान चंदूशा जी, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, आपको। महाराज, मुझे क्या करना होगा? आप मुगल बादशाह जहांगीर के यहां लाहौर के दीवान हैं ना? जी महाराज। बस बादशाह सलामत को झूठी झूठी कहानियां सुनाकर भड़काओ। उन्हें बताओ कि ये सिख धर्म की शिक्षाएं मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। उन्हें इतना उकसाओ, उन्हें बताओ ये जो झूठ की दुकान अर्जुन देव ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें मुसलमानों और मुस्लिम धर्म को बुरा भला कहा गया है। क्या कहा गया है? बुरा भला। और उसके बाद क्या है? बादशाह सलामत अर्जुन देव के साथ साथ सिख धर्म को भी खत्म कर देंगे। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चाल हमने चली। समझ गए? जो हुक्म महाराज। अब चंदू का कमाल देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर को ऐसी चुटकी काटूंगा कि वो इन सिखों की जान का प्यासा हो जाएगा। मूर्ख शूद्रों को भी पता चल जाएगा कि गुलाम भारत की धरती को हम आर्यन से आजाद कराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, असंभव। लेकिन दीवान चंदूशाह, तुम्हें एक बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। तुम्हारी ये चलाकी की खबर बादशाह सलामत को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान जाएगी। तुम्हें तो वो मारेंगे ही, साथ में हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, फूंक फूंक कर। जी महाराज, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरु अर्जन साहेब जी को मुगल सल्तनत में लाहौर के ब्राह्मण दीवान चंदू शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म से शहीद कर दिया। लेकिन जब मुगल बादशाह को ब्राह्मण दीवान चंदू शाह की इस चालाकी व मक्कारी का पता चला तो उसने दीवान चंदू शाह को सिखों के हवाले कर दिया। छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारे जैसे पापियों ने हमारे अनेक संतों गुरुओं को छल कपट से शहीद करवाया। चंदू, आज तुम्हें हम ऐसी सजा देंगे फिर कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। डाल दो इसे कुत्तों के सामने। लेकिन मनुवादी यही नहीं रुके। बौद्ध धर्म की भांति वो लोग सिख धर्म में भी घुसपैठ कर गए। वह इसके मूल को दूषित करने लगे। भारतीय मूल निवासियों की मनुवाद से आजादी के लिए गुरु नानक साहिब के बाद देश विदेश की अत्यंत यात्राएं गुरु तेग बहादुर साहिब ने की। दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद करने का मुख्य कारण भी यही था कि उन्होंने गुरबाणी
व सिख लहर की शिक्षाओं का बहुत ज्यादा प्रचार किया था। मनुवादियों ने बादशाह औरंगजेब के हुक्म से गुरु तेग बहादुर जी को भी शहीद करवा दिया। इस घटिया कार्य के ब्राह्मणों के ऊपर आने वाले इल्जाम से बचने के लिए षड्यंत्र पूर्वक प्रचार शुरू किया कि मनुवादी ब्राह्मणों की पूजनीय गाय व सनातनी ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहेब ने शहादत दी है। एक तीर से दो निशाने साधे गए, गुरु साहेब को शहीद भी कर दिया और सिख धर्म को व सिखों को मनुवादी सनातनी ब्राह्मण धर्म व उनकी मान्य गाय के रक्षक घोषित कर दिया गया। सिख लहर के सृजनकर्ता संतों गुरुओं द्वारा चरित्रवान व एक अकाल पुरख यानी कुदरत को मानने वाले प्रेम भाव से भरे बेहतर मनुष्य का सृजन शुरू किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा बनाकर उस काबिल मनुष्य को संपूर्ण रूप दे दिया। सभी वर्ण व ऊंची नीची जातियों से आए 5 लोगों को 5 प्यारे बनाकर भारत में जाति तोड़ो व समाज जोड़ो का संदेश पहुंचाया। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अलाही शब्द बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह नहीं तै ठाऊ में दर्शाया बेगमपुरा खालसा राज भारत में पैदा करने के लिए उन्होंने खालसा को आदेश दिया। दबे कुचले लोगों में मानवीय जीवन जीने की एक नई तरंग छेड़ दी। सिखों को सिंह व कौर नाम देते हुए जात वर्ण ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके खालसा बना दिया। अरे शूद्रो, अगर तुम में से किसी ने भी सिख बनने की सोची वो 33 करोड़ देवी देवताएं तुम्हें श्राप देंगे। हाँ श्राप, श्राप देंगे। बोलो ये पगड़ी और तलवार क्या वापस मिल गई? क्या ये पगड़ी मैं पहन सकता हूँ, कृपाण रख सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आज हमें संपूर्ण तौर पर सदियों से शीनी शानो शौकत को गुरु गोविंद सिंह जी ने वापस दिया है। क्या हम भी अपने पूरे अधिकार के साथ जी सकेंगे? केस रखने का अधिकार हमसे छीना था, क्या वो हमें मिलेगा? और हमें कंघा रखने का अधिकार मिला है। हमसे साफ सफाई का अधिकार छीना था इन आर्यन ने। और कड़ा दिया है पहनने को जो बराबरी का अधिकार दिलाता है, और अन्याय के खिलाफ सिख को उसका फर्ज याद दिलाता है। कशहरा दिया है पहनने को ता जो बलात्कारों की दास्तां को नकेल पाई जा सके। इस कृपाण से हम अपनी और अपनी बहु बेटियों की रक्षा कर सकें और वैरी का सर दर्द से अलग कर सकें। मुझे भी खालसा बना दो, मुझे भी सिंह बना दो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत्ता शिक्षा पगड़ी छीनी हथियार पिछीना विपरो ने सदियों से सर ना उठा सके सम्मान बिछीना विपरों ने केस कंघी कड़ा किरपान कचहरा कंघी कड़ा किरपान कचहरा सभा को फिर से दिला दिया शूतर से खाद सा बना दिया शूतर से खाद सा बना दिया शूतर से मनुवादी ब्राह्मण धर्म द्वारा कथित गुलाम शूद्र घोषित किए गए भारतीय मूल निवासियों को धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक व मानसिक गुलामी से आजाद करवाने की जबरदस्त कोशिश सिख धर्म द्वारा की गई।
देखो खालसा जी, ये होली खेल रहे हैं। भाइयों, ये होली दिवाली लोहड़ी दशहरे तुम्हारी पुरखों की हार विप्रों की जीत के जश्न है। अपने पुरखों की दर्दनाक मौत और हार का जश्न मनाने वालों होश में आओ। वैसाखी है हमारा त्योहार, जब फसल पकने और प्यारे देशवासियों का पेट भरने की खुशी मन में लेकर किसान नाचते हैं। विप्रों की हजारों और मुगलों की सैकड़ों साल की गुलामी को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी हम मूल निवासियों को शस्त्र विद्या की सिखलाई देकर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इन युद्धों को जीतने की खुशी में और दुश्मन को हराकर उसके खून के रंग से मनाया जाता है होला मोहल्ला। ये है हमारा त्योहार। आज हम आप सबके लिए बाबा बंदा बहादुर का पैगाम लेकर आए हैं। क्या तुम नहीं जानते गुरु हरगोबिंद साहब जी के खिलाफ जंगे किसने लड़ी थी? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जिम्मेदार कौन था? गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को माता गुजरी समेत मुगलों के हाथों गिरफ्तार करवाने वाला रसोईया गंगू कौन था? 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर तो इस्लामी शरीयत लागू नहीं होती। सरहंद का नवाब साहबजादों को सजा नहीं देना चाहता था। सांप के बच्चे सपोलिए होते हैं, ये कहकर उसको भड़काने वाला सच्चानंद कौन था? गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 14 जंगें किसने लड़ी थी? मुगल शासक और उनके साथी विप्र प्रशासक, पहाड़ी राजपूत राजा, ये सब कौन थे? इतिहास गवाह है, मूल निवासियों की गुलामी के जिम्मेदार और सिख पंथ के दुश्मन ये मुगल और विप्र ही थे। अब इनको सबक सिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को अपना वारस बनाकर नांदेड़ से रवाना किया। बंदा बहादुर को आपका साथ चाहिए। हमारी लड़ाई किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। साई मियां मीर, भाई गनी खान, नबी खान, मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान आदि पूरे भारत में लाखों मुसलमान भाई गुरु साहब के साथ और जालिम मुगल शासकों व विप्रों के खिलाफ डट के खड़े हैं। बंदा बहादुर की फौज में 5,000 के करीब मूल निवासी मुसलमान भर्ती हैं, जो कि नमाजी सिंह कहलाते हैं। पूरे भारत के मुसलमान भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि वो भी बंदा सिंह बहादुर का साथ दे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के पास लेकर आने वाले भाई जैता जी यानी बाबा जीवन सिंह जी मूल निवासी ही थे। गुरु साहब की नजर में तुम सब बहादुर योद्धा हो, जबकि विप्र तुम्हें नीच अछूत कहता है। सिंधु घाटी के महान वारिसों, अब वक्त आ गया है, ये शस्त्र धारण करके जंग के मैदान में कूद पड़ो। देखो, दिल्ली का तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोले सो निहाल, सो श्री अकाल। बोले सो निहाल, सो श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जी को इस क्रांतिकारी कार्य व जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध विश्व के युद्धों से हटके थे, क्योंकि धरती पर आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, उनका कारण जड़ जोरू या जमीन रहा है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने दबे कुचले भारतीय मूल निवासियों को मनुवाद से आजादी व मानवीय हक दिलाने के लिए युद्ध लड़े। मैं काल अर्थात समय आज बहुत खुशी व गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने उजाड़ डाली गई सिंधु घाटी, इसकी लाजवाब सभ्यता एवं सरल स्वभाव के मूल निवासियों को सिख धर्म क्रांति ने
फिर से इंसानों जैसा जीवन जीने का हौसला दे दिया। नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ आज नीच, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ आज नीच। नानक दिन के संग साथ, नानक दिन के संग साथ, वटिया स्यों क्यारीस, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ आत नीच, नीचा अंदर तिथे नदर तेरी बख्शीश, तिथे नदर तेरी बख्शीश, नीचा अंदर नीच जा, नीची हूँ अत नीच, नीचा अंदर गुरु नानक जी कहते हैं कि जहां आज़ादी और मानवता के बहादुर दीवानों का सम्मान हो, वहां कुदरत यानी अकाल पुरख की बख्शीश होती है। जो योद्धा समानता का हक लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। मुझे ईर्ष्या से भरे ऊंचे वर्ण के अहंकारियों और गुलामी में जीने वाले शूद्रों से कुछ लेना देना नहीं है। इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। बचाओ खालसा जी, बचाओ खालसा जी, बचा लीजिए खालसा जी, वो लोग उन्हें जिंदा जला देंगे। क्या हुआ बहन, कौन किसे जला रहा है? शाहूकार की मौत हो गई, उसकी तीन पत्नियां हैं। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है? मैं मरना नहीं चाहती। हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो सती नहीं होना चाहती, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए खालसा जी। चिंता मत करो बहन, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो वहाँ चलते हैं खालसा जी। हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है, हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है, भारत जैसी धरती पर भी होती रही नीलामी है। मनु ने धर्म की आड़ में नारी जाति का किया है तुम्हारा, शूद्र कुल अग्नि और चंडाल है, नारी को ना कोई ज्ञान, औरत ही तो है जिसने हर शख्स को जीवन को जीवन दान दिया। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया, गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। ये कैसा घोर अन्याय कर रहे हो? ये औरतें मृत्यु की पत्रिया है, धर्म आज्ञा के अनुसार स्वर्ग जाती है पति की मृत्यु के बाद सभी पत्रियों को उसकी चिखा में सती होना पड़ता है, ये हमारे धर्म का नियम है। शास्त्र अनुसार पत्नी को पति के साथ ही मर जाना चाहिए। ये कैसा नियम है, औरत को जिंदा जलाकर सती करना कहाँ का धर्म है? ये सिर्फ इसलिए कि वो औरत है? नहीं। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो
सात जन्मों का है, पति उसका लोक परलोक का मालिक है। मालिक के साथ जीना और उसी के साथ मरना, यही पतिव्रता चरणदासी का धर्म है, यही रीत है। यही रीत है। अगर ये धर्म का नियम है तो फिर मृत पत्नी के साथ जिंदा पति को भी क्यों नहीं जल जाना चाहिए? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि सात जन्म का रिश्ता दोनों को निभाना चाहिए? जालो ऐसी रीत जिसमें प्यारा विसरे, जिन गंदी रीतों को निभाने से कुदरत के नियम टूट जाएं, ऐसी गंदी रीतों को जला देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम स्वर्ण पुरुष हैं, हम जनेऊ धारण करते हैं, हम पवित्र हैं, हम महान हैं, औरत शुद्र योनि है, औरत पति की दासी है, उसे जनेऊ धारण करने की आज्ञा नहीं है। तुम्हारा ये जनेऊ भगवान के बनाए हुए इंसानों में ऊंच नीच पैदा करता है, इसलिए गुरु नानक जी ने जनेऊ पहनने से मना किया था। सो क्यों मंदा आखिए जित जम में राजान, औरत पवित्र है, महान है, उसके बिना यह संसार नहीं चल सकता, औरत जगत जननी है। अरे पंडित, अगर माँ के रूप में औरत ना होती तो तुम भी ना होते। हम धर्म आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होने देंगे। अरे देख क्या रहे हो, इनको चिखा में डाल दो। तो फिर तुम भी इस चिखा में जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाओ। खालसा जी पंडित जी को इसी चिखा में फेंक दो। गुरबानी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हम तो अंधेरे में जी रहे थे, सच का पता आज चला है। मैं भी आज से गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानता हूं। आज से मैं भी सिख हूं। हां खालसा जी, गुरवाणी ने तो हमें जीने का रास्ता दिखाया। हम सभी सिख बनेंगे। हमारे गांव में आज के बाद कोई औरत सती नहीं होगी। आज के बाद हम सभी बहम भरम और बुरी प्रथाओं को छोड़ देंगे। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। तोड़ गुलामी मनु ब्राह्मण की, एक नया वरदान दिया। मालिक, क्या तुम शूद्र वर्ण की मर्यादा भूल गए हो? धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र को सेहरा पहन घोड़ी पे चढ़ने की आज्ञा नहीं है। पर मालिक, खालसा राज में तो हम शूद्रों को सभी हक मिल गए हैं। हमें भी इज्जत से जीने का और खुशी मनाने का अधिकार मिल चुका है। कृपा हमें जाने दीजिए। अबे
ये खालसा राज कौन सी बला है? राज सत्ता तो मुगलों की है, जहाँ सेनापति, वजीर और दरबारी सभी आर्यन हैं। चल नीचे उतर। शायद आपको पता नहीं, गुरु गोबिंद सिंह के खालसा ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ बगावत कर दी है। बागी को हुकूमत का डर नहीं होता, जिसे हाकिम का डर ना हो वो खुद बादशाह होता है, राज बादशाह का होता है। खालसा बागी है, खालसा बादशाह है, अब यहाँ खालसा राज है। तो फिर तुम टोली प्रथा की ये रीत भूल गए होंगे कि शूद्र की बहन बेटी की शादी के बाद ठाकुर पहले उनसे सुहाग रात मनाते हैं, बाद में वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अरे हजारों सालों से हमारा मांस नोच रहे हो, हमें गंदगी का कीड़ा बना रखा है। तुम्हारी घटिया धार्मिक प्रथाओं ने, हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने दो। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन शूद्रों पर, मारो इन्हें ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। खालसा जी, तुम्हारा ये हाल किसने किया भाई? ठाकुर के लठैत हमें पीटकर मेरी दुल्हन की डोली लूट ले गए। फिर अब इस कायर ठाकुर का क्या करना है खालसा जी? करना क्या है, अपनी दुल्हन बहन को ठाकुर के चुंगल से आजाद करवाएंगे। इन जालमों को भी पता चले कि सिखों के बारह कैसे बचते हैं। आज के बाद ये जालम ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा और ना रहेगी इनके द्वारा चलाई हुई ये जलालत भरी डोली प्रथा। मालिक मुझे। अरे तुझे छोड़ दिया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे मेरी जान। ये तो भगवान की मर्जी है, पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए अपना तन मुझे सौंप दो। बाहर निकल ठाकुर, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बोले सोनिहाल। दुल्हन को छोड़ दे ठाकुर और अपने पापों का पश्चाताप कर ले, हम तेरी जान बख्श देंगे। अरे तुम सिखों की इतनी जुर्रत कि हम राजा महाराजाओं से टकराने चल पड़े? गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 12 जंग लड़ी हैं तुम स्वर्ण राजा महाराजाओं ने, जिन्हें अछूत शूद्र कहते हो, उन्हीं वीर बहादुरों की खालसा फौज से हर बार हारे हो तुम। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला हुआ तो एक पल में घुटने टेक दिए। तुम्हारी दलेरी और ताकत के होते हुए भारत देश मुगलों का गुलाम कैसे हो गया? उस दिल कही के अब हमारे गरीब लाचार और निहत्थे मूल निवासी बहन भाइयों पर जुल्म करके बहादुर बनते हो। अरे चक्त जननी औरत को
देवदासी यानी वेश्या बना डाला तुम्हारी लालसा ने। लानत है तुम हैवानों पर। बहुत क्रांति भरी है तुम्हारे अंदर। जीना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनु स्मृति के बनाए हुए गुलामी भरे कानूनों को खत्म कर दिया। अब राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। ऐसे जालमों का नाश करने के लिए ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दी है। कर दो नाश इस जालम का, ताकि ये धरती इस पापी के बोझ से मुक्त हो जाए। बता दो दुनिया को, औरत गुलाम नहीं, आजाद है आजाद। गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर बेटी हो तुम। कौर हो कौर, खालसा हो खालसा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे कायर, मैं भी ऐसे ही तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी। जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ू? अपने किए का फल तो तुझे हर हाल में मिलेगा, ये भी तेरे भगवान की ही मर्जी है। सिंह साहब, आज से हम दोनों भी खालसा बनेंगे। मैं आज से ये कृपान सदैव ही अपने पास रखूंगी। जुल्म को खत्म करने के लिए मैं और मेरे पति हम भी सिख बनेंगे, खालसा बनेंगे, शूद्र से खालसा।
निवासी सिंह बने, फिर मूल निवासी सिंह बने, डर दूर मनो से भगा दिया। शूतर से खाद सा बना दिया, शूतर से खाद सा बना दिया, शूतर से खाद सा। हथियार बिछीना विपरों ने, सदियों से सर ना उठा सके संवाद बिछीना विपरों ने, केस कंगी कड़ा किरपान कचहरा, कंगी कड़ा किरपान कचहरा, सब हक फिर से दिला दिया। शूतर से खाद सा बना दिया, शूतर से खाद सा बना दिया, शूतर से खाद सा। इस धरती पर ना गम रहे, इनकी कृपा से सके हमारे